हाय फ्रेंड्स, आज हम जिस हस्ती के बारे में बात करने जा रहे हैं उनका नाम है एडवर्ड जेनर। ये बहुत ही मशहूर ब्रिटिश डॉक्टर थे जिन्होंने चेचक के टीके का खोज लगाया और प्रतिरक्षण विज्ञान की नींव रखी। एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका कैसे खोजा इसकी भी एक बहुत ही रोमांचक कहानी है। उन्हें ये सफलता एक ऐसे विचार के कारण मिली जिसे सब जानते थे। जिस इलाके में जेनर काम करते थे वहाँ यह मान्यता फैली हुई थी कि अगर किसी को काउ पॉक्स नाम की छोटी बीमारी हो जाए तो बाद में उसे चेचक नहीं होता। जेनर जानते थे कि हर सामाजिक मान्यता के पीछे कुछ न कुछ सच्चाई होती है। मानव जाति का चेचक की विभीषिका से मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने इस क्षेत्र में लगातार प्रयोग किए और विशेषज्ञों से सलाह ली। विशेषज्ञों ने उन्हें हतोत्साहित करते हुए कहा कि इस मान्यता में कोई दम नहीं है। बहरहाल जेनर जुटे रहे। कई साल तक प्रयोग करने के बाद उन्होंने खोजा कि काउ पॉक्स दो प्रकार की होती है, जिसमें से एक सचमुच चेचक से बचाती है। 20 साल तक मेहनत करने के बाद उन्होंने काउ पॉक्स के विषाणुओं से चेचक का टीका तैयार किया। 14 मई 1796 को उन्होंने 8 साल के जेम्स फिव्स को काउ पॉक्स का टीका लगाया और 1 जुलाई को उसके शरीर में चेचक के विषाणुओं को प्रविष्ट कराया। उनके शत्रु बेसब्री से ये इंतज़ार कर रहे थे कि अब जेम्स फिफ्स को चेचक होगी और वे जेनर की धज्जियाँ उड़ा देंगे। बहरहाल फिफ्स को चेचक नहीं हुई और जेनर का प्रयोग सफल रहा। इस खोज ने जेनर को रातों रात महान बना दिया। लोग उन्हें भगवान की तरह पूजने लगे क्योंकि चेचक एक महामारी थी जिसे जेनर ने अकेले ही हरा दिया। एडवर्ड जेनर चाहते तो चेचक के टीके की खोज से ढेर सारा पैसा कमा सकते थे, परंतु उनके लिए मानवता अधिक महत्वपूर्ण थी, इसलिए वे गरीबों को मुफ्त टीका लगाते थे। एडवर्ड जेनर ने जो आज इतने लोगों के दिलों में बसे हुए हैं कि चेचक जैसी बीमारी को उन्होंने हमारे जीवन से अस्त व्यस्त कर दिया, उन्होंने सिर्फ अपनी लगन से, अपनी मेहनत से, अपने रिसर्च से वो काम कर दिया जो बड़े बड़े वैज्ञानिक न कर सके। अगर हमें ही अपने लाइफ में ऐसे आगे बढ़ना है तो हमें कुछ हट के सोचना होगा जिससे हम आते वक्त तक लोगों के दिलों में अपनी जगह बना सकें। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उन्हें सजेस्ट कीजिए हमारा पेज इरफान कौचाली उद्योग गुरु को लाइक करने के लिए और कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच।